बच्चों आज अपन गुड टच बैड टच विषय पे एक रोल प्ले एक्टिविटी करने वाले हैं। तो चलो देखो ये मोनू क्या कर रहा है। मोनू एक थर्ड क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी है जो कि स्कूल से अपने घर पे खुशी खुशी जा रहा है, पर उसके पीछे पीछे कुछ बदमाश बदतमीज लड़के भी जा रहे हैं जो उसको रोज़ रस्ते में तंग करते हैं। तो देखो ये लड़के इसको तंग कर रहे हैं, इसको छेड़ रहे हैं, इसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और इसको वहाँ पे छोड़ के और हंसते हंसते चले जाते हैं। मोनू उठता है और चुपचाप रोते रोते अपने घर पे जाता है, अपना बैग रखता है और एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। उसकी मम्मी आती है मोनू के पास, पर मोनू उसकी मम्मी को कुछ नहीं बताता। उसकी मम्मी के बार बार पूछने के बाद मोनू रोने लग जाता है और रोते रोते अपनी मम्मी को वो सब बोल देता है। मोनू अपनी मम्मी के साथ विद्यालय में आता है। वो लोग विद्यालय के प्रिंसिपल के पास स्कूल में पहुंचते हैं। ये रोज रोते रोते स्कूल आता है, आपको पता होना चाहिए ना। तो हमारी क्या गलती है, हमें बताया नहीं आपके बच्चे ने, हमें बताया नहीं। मोनू तुम बताओ किसने कहा? मेरे को बड़ी क्लास के बच्चों ने, 12वीं क्लास के बच्चों ने मेरे को छेड़ते रोज, कभी मेरे पैंट खोल लेते, तो कभी बाथरूम में जाता हूँ तो मेरे गला तंगों पे छूते और रस्ते रस्ते चल जाते, ऐसे बोलते जा के देना तेरे मम्मी पापा को मार दूंगा मैं। बताओ उनका नाम बताओ। वो 11वीं क्लास में, चलो उनके पास लेके चलो। चलो कौन से? कौन से? ये रोहित, ये विजय और ये अनु, अरे रोहित। आप क्यों नहीं समझाते हो? देखो हमारे छोरे को रोज छेड़ता है, आपको पता होना चाहिए ना। गलत बात है, तुम्हें आप इनके पेरेंट्स को बुलाओ और इनकी शिकायत करो। कल तुम्हें है ना अपने पेरेंट्स को बुलाना और तुम्हें टीसी ले जाना, और दोबारा ये गलती है ना बच्चों के साथ मत करना, कभी भी कोई से भी बच्चों के साथ मत करना ये गलती, और ये गंदी हरकत है। ठीक है मैम, अब कल अलग अपने पेरेंट्स को बुलाना, ऑफिस में आ जाना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखा बच्चों आपने, हमें ये जो चीज़ होती है गुड टच बैड टच, वो लड़कियों के साथ ही नहीं लड़कों के साथ भी हो सकती है ना। तो हम लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों को अवेयर रहे।